हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको साइबर कैफ़े जाना होता है और वहां पर आपको समय और साथ ही पैसा भी देना होता है। ऐसे में आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे आप फाइल की साइज़ को कम कर सकते हैं, इसमें हम बताने वाले हैं। स्टेप टू स्टेप जानकारी, पूरी जानकारी जानेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है लाइट फोटो। ये आप देख रहे हैं, लाइट फोटो है इस एप्लीकेशन का नाम। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको इसमें इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं नीचे, एक है कंप्रेस फोटो, दूसरा है रिसाइज फोटो और तीसरा है क्रॉप फोटो। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कंप्रेस फोटो के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फिर कंप्रेस फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम जो है इस वाले फोटो को कम KB का करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं 4.2 MB का ये फोटो है और इसको मैं लगभग 150 KB का करूंगा एक ही बार में। तो ये वाला फोटो मैं आपको अपनी गैलरी में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने गैलरी ओपन किया तो ये रहा वो फोटो, यहाँ पर आप देखिए। और मैं आपको ये जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं कि आसानी से ये सब पढ़ सकते हैं। और जब मैं इसको 150 KB का करूंगा तब भी आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने उसका है, इसका साइज देखिए 4.2 MB का है। तो चलिए अब उसी एप्लीकेशन में हम आ जाते हैं और यहाँ पर भी ये 4.2 यहाँ पर देख रहे हैं MB का है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वालिटी और साइज। तो यहाँ पे हम क्वालिटी की पहले बात करते हैं। यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी जो है पूरी 100% रखना चाहते हैं, क्वालिटी हम इसकी बेकार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसका रेजोल्यूशन आप इसको ऑन कर दीजिए और फिर आपको आना है साइज पर। साइज पर आप जैसे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट साइज। तो यही साइज है कि आप इसको कितने KB का करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसको कम KB, ज्यादा KB का इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर इसको कर देते हैं। यहाँ पर हमने किया इसको 129 KB का और यहाँ पर आपको ये रेजोल्यूशन आप इसको ऑन कर दीजिए क्योंकि क्वालिटी अच्छी आएगी। और फिर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, हल्का सा आपको वेट करना होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये देखिए यहाँ पर हो चुका है 4.2 MB का फोटो था और ये यहाँ पर आप देखिए 168 KB का हो गया है। आप इसको कम भी कर सकते हैं अगर ज्यादातर जैसे 168 KB का है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये फोटो 168 KB का हो गया है। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि गैलरी में नहीं आते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए ये अदर में इसी के नाम से, एप्लीकेशन के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो मैं आपको पहले जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। जो आप वहां पे पढ़ पा रहे थे वो आप इस जगह भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी, क्वालिटी कहीं भी बिल्कुल भी बेकार नहीं होती है।